ये वो बाइक जिसकी मैं बात कर रहा था, अप्रेलिया 210457। इनमें से जो ये वाला डिजाइन है ना, हाँ भाई, अगर वो निकल गया तो बहुत सारे प्रिंटर पड़े हुए हैं भाई। मुझे लगा था खाली होता होगा। ये भी बहुत जरूरी काम है यार, फ्यूल अप कराना टाइम टाइम पे। पेट्रोल बहुत पीने लगी है आजकल। ये ऐसा भी नहीं कि सर्विस का टाइम हो गया इसीलिए, मेरे को लगता है कि ऐसा ज़्यादा पेट्रोल लगने लगा है। सर्विस कराए को भी टाइम ही क्या, अगस्त के लास्ट में कराया था यार, सितंबर अक्टूबर, बस 2 महीने हुए, हार्ड टू हार्ड 70 डेज हुए होंगे। वैसा प्रॉब्लम भी नहीं है, पता नहीं क्यों मैं ज़्यादा चलाने लगा हूँ, ये ज़्यादा पेट्रोल पी रही है। वो तो सोचने वाली बात है, किसकी गलती है। गलती तो यही, और मेरे को बता यार, गोल घूमना पड़ेगा। और कल का व्लॉग यार माफ़ करना, पूरा अंधेरे में था जिसने भी देखा। होप सो कि आपको समझ आया होगा। मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि आइकमा क्या है, क्योंकि मेरे मन में भी वो बातें और कल कुछ था नहीं, तो बस मैं बोलता गया और लास्ट में यही होप करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि आइकमा है क्या चीज़, या फिर मिलान मोटर शो है क्या चीज़, समझ आया होगा। और रात को भाई कल शुरू हो गया भाई, दबे बता दो कल शुरू भी हो गया। सॉरी, मैं तो सबका वेलकम करना ही भूल गया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है, एंड आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बात फ्लो फ्लो में निकल गया और भूल गया था, अब मैंने कर दिया वेलकम सबका। और कल मैं बोल रहा था अपना नेम चेंज करूँ, कल रात को बड़ा मस्त आइडिया देखा यार मैंने। देखा भाई लोग क्या क्या नाम रख रहे हैं अपने चैनल का, नाम क्या क्या नाम रख रहे हैं यार अपने चैनल का। मेरे को एक भाई ने बड़ा आइडिया देखा, मैंने रास्ते में देखा, उसने अपने चैनल का नाम रखा हुआ था एमटी वाला रोशन। भाई आप एक ये भी अच्छा आइडिया है ना, जिसके पास जो बाइक है उससे भी आप अपना नाम रख सकते हैं चैनल का। बट अगर कल को बाइक चेंज हो गई तो फिर क्या करेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे भी रख सकते हैं यार, हिमालय वाला हेमंत, हॉर्नेट वाला हिम्मत, ऐसे हर बाइक के साथ एक नाम जोड़ा जा सकता है। तो ऐसे तो मेरे नाम भी के साथ भी नाम सूट कर सकता है, सुजुकी वाला संजू, है ना। साउंड तो अच्छा कर रहा है, बट मैं सोचता हूँ इतना लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को ठीक नहीं लगा ये वाला नाम। तो अभी भी मेरे माइंड पे वही चीज़ ही है, अगर मैं सोच ही रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। आप लोग ना इग्नोर मत कर देना अगर गलती से मैंने नाम चेंज कर दिया होगा तो। आगे राइडर या बाइकर होगा और पीछे संजू होगा, ये मैं अभी सोच रहा हूँ। अगर ऐसा आपको नाम मिला ना, प्लीज़ आप इग्नोर मत करना, राइडर संजू या बाइकर संजू करके, क्योंकि इन दोनों के अलावा मेरे माइंड में कुछ आ नहीं रहा है अभी, सच बताऊँ तो, जो लॉन्ग टर्म तक चल सके। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है, थोड़े से सब्सक्राइबर है ना जो इस नाम से मिलते जुलते चैनल वाले के ज़्यादा है मेरे से, सो थोड़े से मतलब 100-150 के करीब। सो इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बट जो न्यू व्यूवर्स, 90%+ न्यू व्यूवर्स जो आके सिर्फ देख के व्लॉग को जा रहे हैं ना, शिकायत उनसे है। सोच लिया, जैसे कल मैंने 3-4 बार आपसे सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट करी है मैंने व्लॉग में देखा, तो उसी तरह अब मैं सोच रहा हर व्लॉग में आपसे मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे को उनसे आगे निकलना है ताकि मैं अपने चैनल का नाम चेंज कर सकूँ। और जब नाम चेंज करूँगा तो सब कुछ चेंज करूँगा, DP वगैरह सब कुछ। भाई भाई पेंटिंग, लाइट नहीं है क्या, लाइट नहीं है यार, ऐसे मत बोले यार, बिजली चिपकानी है मैंने भी टायर में अपने, रिम पे कवर करवाना है रिम वैसा वाला। हाँ अगर आप नियॉन बोलते मैं बोल देता नियॉन है ही नहीं। अब ब्लू तो है ना, ब्लू ठीक है ना, ब्लू अच्छी लगेगी। जैसे कि मेरे को, मैंने हम हमेशा बोलता मैं कि मेरे को अपनी बाइक में ना छेड़छाड़ी कराने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, ना मेरे को पसंद आता है। बट मैंने इसके अभी, मैं देखो सूरज की शॉप बोलेंगे, सूरज की शॉप पे आया हूँ मैं, मेरे को एक चीज़ पसंद आया था जो हर किसी के रिम में करके दे रहा है ये, तो मेरे को लगा मेरे भी रिम में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, रोड साइड काम कराऊँ ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये चीज, ये कवर हो जाएगा ना सूरज, है ना, कर देगा ना कवर। ये मैंने रोड साइड अपना टायर चेंज करवाया था ना, तो उन्होंने ठोक ठोक के करा, तो इसका ये पेंट उतर गया जो कि हर टाइम बहुत गंदा दिखता है, जैसे बाइक बहुत पुरानी होगी हो। तो ये कवर करवाना है तो दो काम हो जाएंगे।
हाँ प्लस ग्राफिक भी हो जाएगा। तो इसीलिए दो चीज़ हो जाएंगे, वो टायर भी रिम भी ठीक हो जाएगा प्लस उसके बाद वो भी हो जाएगा, क्योंकि मेरे को मिनिमल सही लगा, अगर बहुत ज़्यादा होता तो बहुत बेकार लगता। चलो सूरज भाई इसको 1 इंच चंडीगढ़ बना दो, स्टोरी पे तो डालोगे ना, बस बता भाई। चैनल तो मेरा भी है यार, आपने भी मैसेज नहीं किया, टेक्स्ट किया मैंने, मैसेज नहीं किया आपने। अरे यार वो अच्छा ऐसा ही है क्या, गलती आपकी। चलो ठीक है, आज मैं तेरी स्टोरी को अपनी स्टोरी में डालूंगा ऐड करके। यार मैं क्या यार, चैनल तो हमारे भी, हम भी आते जाते, प्रमोशन चल रही है आजकल फुल ऑन इसके इंस्टाग्राम पे। और वो भी था, और कल क्या हुआ ना कि लाइक करते 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 अंधेरा हो गया, कल मैं डबल माइंडेड हो रखा था, तो आज मेरे को टाइम था बीच में थोड़ा सा, तो और मेरे माइंड में भी था कि कल मैं स्टोरी भी देखा अच्छा लगा, ठाकुर के बाइक पे भी किया ना तो वो भी अच्छा लगा मेरे को, फिर मैं कहा चलो आज यही करवाते हैं, ज़्यादा नहीं है थोड़ा ही छेड़छानी है। अरे भाई 3 दिन से यही इधर आओ, ये देखो, ये तो 3 दिन से यही बन रहे मेरे पास। अच्छा लगेगा तो लंबे टाइम तक के लिए रख सकते हैं, नहीं लगेगा तो छोटा सा काम है कभी भी निकलवा भी सकते हैं, और पहले एक करके देखेंगे अच्छा लगेगा तो एक सैंपल ले लेते हैं। इनमें से जो ये वाला डिज़ाइन है ना थंडरस्टॉर्म वाला या बिजली कड़क रही है, ये तो एक चुनाव का निशान अभी तक नहीं गया, ये वाला डिज़ाइन मैंने कहा इसको बना दे मेरी बाइक के रिम पे। एक सैंपल यहाँ पे लगा के देख रहे हैं फ्रंट टायर में, अच्छा लग रहा है, सही है, कर देगा कवर। अभी यहाँ पे काम पे लगा हुआ है ऐसे ऐसे छोटे छोटे पीसेस, कितने 45 लगाए हुए हैं, 45 जब यहाँ प्रिंट हो जाएंगे देन उसके बाद उसको आगे लगाएंगे, वहाँ पे काम चल रहा है ये देखो। अभी लैपटॉप बिजी है, अभी लैपटॉप बिजी है अभी, इसलिए कुछ कर नहीं सकता, एक बार ये काम ख़त्म हो जाए देन उसके बाद मैं आपको ना आइकमा के इमेजेस दिखाता हूँ जो हीरो ने कल बाइक लॉन्च करी है, एंड जिसका सबसे ज़्यादा अभी हाइप बना हुआ है अप्रीलिया का 2 आनो 4 5 7, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बट इन सबसे हट के ना एक बाइक है जिसने कि आग लगा रखी है, जिस हर किसी के मुँह पर उसी बाइक का नाम है, और वो बाइक है KTM 390 एडवेंचर आर, पहले भी आती है बट अभी वाला लोग ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, बट जो अभी आ रही है ना, 3 मॉडल आने वाले इंडिया में, फोर्थ वन नहीं आएगा जो कि मोटराइड की तरह दिखती है। एक बार काम हो जाए फिर दिखाता हूँ भाई, उसने तो दिमाग हिला दिया। वो बाइक जिसकी मैं बात कर रहा था अप्रेलिया 2 आनो 4 5 7 सेम होने वाली है, जो हम अभी अप्रेलिया देख रहे हैं ना इंडिया में RS 457 सेम है, इंजन भी सेम है, फ्रेम भी सेम है, सब कुछ सेम है, 90% सेम है, और जो 10% डिफरेंसेस है ना वो है सिर्फ इसके फ्रेम में, क्योंकि वो फुल फेयरिंग आ जाती है बट ये नेक्ट वर्जन है, और इसे सब अभी कह रहे हैं कि इंडियन मार्केट में ड्यूक 390 का मार्केट खाने के लिए आने वाली है। सो अब मैं देखो आपको सेकंड बाइक दिखाता हूँ, जिसके लिए कि मैं भी जब से इंडिया में स्पाइस शॉट आए थे ना तब से इंटरेस्टेड था कि ये आएगी तो बाइक में एक बार ज़रूर देखना चाहूँगा अगर वो इंडिया आएगी, और ऑब्वियसली आएगी भी आएगी। देखो वो है ये बाइक KTM 390 एडवेंचर आर, अभी भी आती है, ऐसी कि नहीं कि अभी नहीं आती है, अराउंड अभी क्या बोलते हैं कितना है 3.60 या 3.75 के अराउंड इंडिया में आती है 390, बट उसको लोग ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे, उसका हेड शेप लोगों को पसंद नहीं आया, बट इसका जो मेन मेरे को सबसे अच्छा लगा ना उसका ये हेडलाइट का शेप ही अच्छा लगा है, कितना कूल लग रहा है। और इसके और 2-3 मॉडल है जो कि आने वाले हैं, और भी इमेजेस हैं इसमें, तो ये स्पाई शॉट है जब ये इंडिया में भी रन कर रही थी उस टाइम आए थे, साइड वाइज भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और जो ये है ना ये एडिशनल एसेसरीज है जो इसके साथ आने वाली है, डिस्क ब्रेक का कवर भी हो गया, ये इंजन गार्ड भी हो गया, ये सारा, और ये 101% श्योर है कि ये इंडिया में आएगी आएगी, क्योंकि मैंने रात को ही वीडियो देखी रॉक बैगोरो की, जो कि KTM के ना ऑफिशियल है रॉक बैगोरो, तो उनके हिसाब से जो अभी यहाँ पे खड़ी है ना, जो यहाँ पे खड़ी है, इस बाइक की हाइट अराउंड 835 mm सीट हाइट पे है, जो कि बहुत ऊंची है, उनका हाइट जो है ना, जो रॉक बैगोरो का हाइट है उनकी अराउंड 6 फुट है, तो उनके पाँव पूरे नहीं लग रहे थे फ्लैट, तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट वगैरह आए थे उनको इंडिया से कि अगर इसकी हाइट इतनी ज़्यादा होगी तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे, बट डरने की बात नहीं है, जैसे कि उन्होंने बताया ये इंडिया आएगी बाइक, प्लस हाइट
एडजस्टेबल के साथ आएगी, हाइट इसमें और कम कर सकते हैं, उस हिसाब किताब के साथ आने वाली। अगर ये एक बार आएगी ना तो मेरे को जैसे भी उसका एक बार टेस्ट राइड लेना ही लेना है, क्योंकि दिखने में इतनी खूबसूरत है। प्लस एक और बाइक है BMW की 410 GS, आग लगा दी। अभी उसका सिर्फ प्रोटोटाइप आया है इसलिए उसके बारे में ज़्यादा बात करना ठीक नहीं होगा, बट जो दो बाइकें थी ना, 210457 और ये KTM एडवेंचर बाइक, इसने आग लगा दी है मार्केट में। तो देखते हैं जब आएगी तब देखी जाएगी। मेरा मेन मुद्दा था ना ये चीज़ कवर करवाना, तो ये चीज़ हो रही है, वही सही बता रहा हूँ, डरो मत। तो इसके लिए ना इसके ऊपर पहले मैं ब्लैक टेप करवा रहा हूँ, उसने बोला ब्लैक टेप से कवर कर देते पहले, देन उसके ऊपर बाकी के ग्राफिक्स ऐड करेंगे, तो ठीक है। बैक रिम पे है ना तो इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होगा लोगों के लिए, दिखेगा नहीं, फ्रंट पे होता तो ज़्यादा दिखता, बट ठीक है। बट मेरा मेन मोटो जो था कवर अप का, वो कवर अप हो जाएगा, ये हो गया साइड का, बस उधर का थोड़ा थोड़ा तो वो चलो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। बट वैसे दूर से देखने में, सामने से देखने में अच्छा लग रहा है, बस इसको अच्छे से स्टिक करना ताकि लिख लेना बाद में बाइक धोते टाइम, निकलेगा तो फिर लगाना पड़ रहा है, तभी तो एक लगा रहा, वरना तो पूरा लड़ी निकाल देता हूं। हाँ भाई, अगर वो निकल गया तो बहुत सारे प्रिंटर पड़े हुए हैं, करके देना पड़ेगा। अरे टेप उल्टा उल्टा हाँ। टेप उल्टी है, जब टेप जिंदा बात है। हाँ जब तक कलर पड़ा हुआ है तब तक निकाल के दे, तब तक मैं दे सकता हूँ। हाँ ठीक, काम खत्म, बस इतना ही था। कैसा लग रहा है बताना? अच्छा लग रहा है। वैसे मैं बाइक में आज तक कभी कोई स्टिकर वगैरह कुछ नहीं लगवाया, पूरी बाइक में पहली बार करवाया, कसम लगे पहली बार करवाया, मेरे को ठीक लग रहा था इसीलिए ये फर्स्ट टाइम करवाया मैंने इस पर, बाकी इसके अलावा कोई स्टिकर वगैरह नहीं है। मेरे को पता ही नहीं था ब्लैक रेडियम लगवाया, ठीक है चमकेगा तो बढ़िया है, बस उतरना नहीं चाहिए। क्या ये जो थंडर भी, अच्छा रात को चमकार मारेगा। काम तो छोटे होते बट इतना ज़्यादा टाइम लग जाता ना कि क्या बताया, शाम हो गया ऑलमोस्ट थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। देखियो तो यही काम करवाना था जो कि ख़त्म हो गया है, बट अभी देखते हैं और कुछ भी। भाई तो कह रहा है ये भी रेडियम है, अगर रात को अंधेरे में ये भी शाइन मारेगा, अगर मारेगा तो अच्छा है, नहीं मारेगा तो भी अच्छा है, देखा जाएगा। मैं ऐसा वाइजर ना मेरे हेलमेट का भी आता है, बट मैं 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, 3 साल में मेरे को एक बार भी किसी भी शॉप पे ऐसा रेनबो वाला नहीं मिला, मेरे को डायरेक्ट एक्सोर से मंगाना पड़ेगा। ठीक है फिर मिलेंगे। ऐसे टाइम में यही हो सकता था अंधेरा होने से पहले जो हो जाए, तो इस हिसाब से मैंने ये करवा लिया। और प्लस जैसे कि मैंने बताया वो टायर का जो रिम के थोड़ी मोटी स्क्रैचेस थी वो भी कवर होनी थी, वो भी कवर हो गई है। और आप लोगों ने प्लेसमेंट में बताना है आपको कि ये कैसा लगा, और अच्छा लगा तो आपने चाहे यही अच्छा लगाओ, बेशक चैनल का कंटेंट अच्छा ना लगाओ, चाहे यही अच्छा लगाओ आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर आप लोग कहोगे, अगर वो कमेंट करके बोलेगा, कोई आइडिया देगा कि आ, ये जिक्सर ऐसी है आपको ये करवाना चाहिए इस पर, एक्सेप्ट एग्जॉस्ट के, एग्जॉस्ट नहीं भाई, एग्जॉस्ट छोड़ के ग्राफिक्स वगैरह करवा सकता हूँ, तो मैं ऑब्वियस ही बातें कराने का ट्राई करूँगा, या कोशिश रहेगी तो करवा ही लूँगा, बस इनसे बचना पड़ता है। करवा ही लूँगा ठीक है, जिससे कि मेरे को दिक्कत ना होगा। और अब आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा।